दहशत में काम कर रही एमजीएम अस्पताल की नर्सों ने ड्यूटी करने से किया इनकार, छुट्टी नहीं देने का लगाया आरोप। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने जमकर काटा बवाल, समुचित जगह की व्यवस्था नहीं होने से दिखे नाराज। और बकाये फीस को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न, जेएच तारापुर स्कूल का है मामला, डीएसई के निर्देश पर अभिभावकों को मिली मोहलत। कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे और संदिग्धों के इलाज में लगे एमजीएम अस्पताल की नर्सों ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। इन नर्सों का सीधे तौर पर आरोप है कि जब से कोरोना वैश्विक महामारी आई है तब से लगातार हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, एक दिन भी छुट्टी मिली नहीं है, इसके कारण अब परेशानी बढ़ रही है। इन नर्सों को कोरोना से बचने के लिए पूरी तरह से किट उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण यह लोग दहशत में हैं। हालांकि सभी नर्सों ने हंगामा कर काम नहीं करने का ऐलान किया है। उधर एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर ड्यूटी करना होगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। वैसे अब यह सभी नर्स राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि साप्ताहिक छुट्टी दी जाए, ताकि लगातार काम करने से जो परेशानी बढ़ रही है उसे राहत मिले। वैसे अब देखने वाली बात यह होगी कि वाकई इन नर्सों को छुट्टी मिलता है या अधीक्षक का फरमान चलता है। इनकी जो सैलरी है वो मिल रही है, कोविड-19 को मद्देनजर जो सरकार का गाइडलाइंस है सारे कर्मचारी के लिए, चाहे वो परमानेंट हो चाहे आउटसोर्सिंग हो, सभी का बीमा आगे प्रावधान ये है कि रोस्टर ड्यूटी जो बनी हुई है, ड्यूटी करने के बाद होटल में जाना है, वहीं रेस्ट करना है, घर नहीं जाना है, फिर नेक्स्ट डे अपने रोस्टर में चले आना है। ड्यूटी ये स्टार्ट हो जाएगी, एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगी, रोस्टर वाइज ए सी बी सी थ्री सी, तो एक वीक ड्यूटी दी जाएगी एक बैच की, उसके बाद एक वीक के बाद वो फिर क्वारंटाइन में चले जाएंगे, दूसरा बैच आएगा उनके जगह, वो ड्यूटी करेगा। जमशेदपुर में गुरुवार को सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया, सभी बैठने के लिए जगह न मिलने से नाराज थे। अधिवक्ताओं का कहना था कि पहले उनके लिए बैठने की व्यवस्था थी लेकिन कोरोना को लेकर उसे बंद कर दिया गया है, ऐसे में हजारों अधिवक्ताओं के पास बैठने की अब कोई जगह नहीं है। अधिवक्ता बार काउंसलिंग ऑफ झारखंड के पदाधिकारियों से भी नाराज थे। उनका कहना था कि पदाधिकारी अपने बैठने के लिए जगह तय कर लिया है लेकिन अधिवक्ताओं की कोई सुनने वाला नहीं है। यही नहीं, अधिवक्ताओं ने घोषणा कर दिया है कि जब तक उन्हें बैठने के लिए उचित जगह नहीं मिलेगा वह काम नहीं करेंगे। अधिवक्ताओं के इस रुख को देखते हुए कोर्ट परिसर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि अगर कोई अप्रिय घटना घटी उसे नियंत्रित किया जा सके। अधिवक्ताओं का स्पष्ट रूप से कहना है कि बार भवन को खोला जाए, अगर भवन को नहीं खोला जाता है तो कल से वे कार्य का बहिष्कार करेंगे। के लिए आते हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिल रही है, हम लोग उसी सिलसिले में डिस्कस कर रहे हैं और मोस्टली अभी काम का भी अभाव है क्योंकि 80% लॉयर हमारे जो हैं घर पे बैठ करके रह रहे हैं काम नहीं होने के कारण। काम नहीं होने का मतलब है कि जो काम की प्रक्रिया, फ्रेश केस फाइलिंग करना, केसेस में बहस होना, केसेस में गवाही होना, वो सब काम नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते लिटिगेंट्स के काम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं और क्या नाम है, वकील के पास भी काम नहीं है। उसी सब सिलसिले को लेकर के हम लोग आज अभी खड़ा होकर के यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इस काम को कैसे सुचारू रूप दिया जाए, और आपके माध्यम से हम ऑनरेबल हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि लॉयर की समस्या को देखते हुए और अपने बार काउंसिल के चेयरमैन से भी आग्रह करते हैं कि हम लोगों की समस्याओं को देखते हुए पूरे झारखंड के लॉयर्स इससे परेशान हैं, और ऐसे तो देश में पूरे परेशान है ही हैं, लेकिन हम चूंकि अपने घर को पहले दुरुस्त करेंगे तब हम बाहर के लोगों का ध्यान रख पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि झारखंड के लॉयर्स परेशान हैं और झारखंड के लॉयर का ध्यान रखते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट को कोई ऐसा गाइडलाइन देना चाहिए जिला कोर्ट्स को, ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। बकाये फीस को लेकर एग्री को जेएच तारापुर स्कूल द्वारा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई रोकने के मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक के हस्तक्षेप से फिलहाल विरोध टल गई है। बता दें, मामले में शिक्षा सत्याग्रह संस्था ने बच्चों के समर्थन में भिक्षाटन आंदोलन का ऐलान किया था। वहीं बैठक उपरांत सभी बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ने का आदेश जारी किया गया है। मामले में शिक्षा सत्याग्रह के अंकित आनंद की ओर से विभाग को लिखित शिकायत दी गई थी और सूबे के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित डीजीपी से स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ न्याय संगत कार्यवाही का आग्रह किया गया था। शिकायत पर संज्ञान लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई के लिए डीसी और एसएसपी को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था। इधर मामले में कार्रवाई से पहले स्कूल प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक ने एक अवसर देते हुए गुरुवार को विभागीय कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता के लिए बुलाया। जिला शिक्षा अधीक्षक विनीत कुमार की अध्यक्षता में आयोजित वार्ता में
जेएच तारापुर स्कूल के चेयरमैन बेली बोधनवाला, शिक्षा सत्याग्रह के प्रतिनिधि व अभिभावक ने अपनी वित्तीय स्थिति और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि एक मुश्त फीस भुगतान करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। उन्होंने कुछ मोहलत की मांग करते हुए बच्चों की पढ़ाई पुनः प्रारंभ करने का निवेदन किया। लेट फाइन के साथ देते हुए इसके बाद अभी साल भर से, लगभग साल भर से देने में असमर्थ हो गए, क्योंकि मेरा एक साल में दो बार एक्सीडेंट हो गया, परिवार भी चलाए, ये किए वो किए। इसमें फिर हम स्कूल से रिक्वेस्ट करते रहे कि आप इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, हम पेमेंट देंगे, इंस्टॉलमेंट कर दीजिए। जो अभी ये दिखाए लिख दीजिए, जब हम स्कूल जाते थे अरे आप जो ऑनलाइन लिख दीजिए पार हो जाए, हम बार बार बोलते थे देखिए अमाउंट बड़ा हो रहा, आप इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, धीरे धीरे हम दे देंगे। तो वही चीज़ अभी किए, खैर कोई बात नहीं है, हमको स्कूल में बच्चा पढ़ाना है और मेरा ये मानसा नहीं है कि हम स्कूल का पैसा रखें, मेरा बच्चा फ्री में पढ़े, हमको पेमेंट दे के पढ़ाना है, बच्चा को पढ़ाना है, हमको किसी का एहसान नहीं चाहिए। जेएच तारापुर स्कूल के चेयरमैन बेली बोधनवाला ने कहा कि स्कूल प्रबंधन मोहलत देने को तैयार है, लेकिन फीस माफी पर फिलहाल कोई ठोस आश्वासन नहीं दी जा सकती। कहा कि इस पर स्कूल मैनेजमेंट की बैठक में विचार किया जा सकता। सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक विनीत कुमार ने अभिभावक को राहत दिया और 4-5 किस्तों में बकाया फीस चुकाने को कहा। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन के चेयरमैन बेली बोधनवाला को डीएसई ने निर्देशित किया कि अविलंब बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ते हुए उनकी पढ़ाई शुरू कर दी जाए तथा प्रबंधन आपस में बैठक करके निर्णय ले कि अभिभावक को बकाया राशि में कोई वित्तीय राहत देने की स्थिति में है अथवा नहीं। जिला शिक्षा अधीक्षक ने अभिभावक को निर्देश दिया कि वे इस आशय में लिखित आवेदन या शपथ पत्र समर्पित करें, जिस पर अविलंब इस प्रकरण में उचित आदेश जारी की जा सके। वार्ता की शर्तों पर अभिभावक ने सहमति जताई। शिक्षा सत्याग्रह ने समाज वार्ता के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक का आभार जताया और फिलहाल भिक्षाटन आंदोलन को टाल दिया है। लगभग 1.5 साल से वो फीस नहीं दिए थे पेरेंट, कुछ कारण से एक्सीडेंट हो गया था, बीमार हो गए थे, तो इसीलिए स्कूल प्रबंधन दबाव बनाया था, ऑनलाइन क्लास से नाम हटा दिया था, डिलीट कर दिया था। इसी में स्कूल प्रबंधन को और पेरेंट्स को बुला करके बीच में पेरेंट्स से ही पूछा गया जब फीस आप कैसे दीजिएगा, अपनी स्थिति आप बताइए। तो पेरेंट्स बोला कि हम सर 25% करके 4 किस्त में हम पैसा दे देंगे। स्कूल प्रबंधन से मैंने रिक्वेस्ट किया कि पेरेंट्स की स्थिति को देखते हुए जो पेरेंट्स बोलते हैं उसको आप काइंडली एग्री कीजिए, उन्होंने एग्री किया। तो पेरेंट्स को बोला गया कि आप शपथ पत्र जो बात बोले हैं जो पेरेंट्स चाहे वही हुआ। सर एक जो अभी शपथ पत्र तैयार होगा उस पर शपथ पत्र तैयार होगा, क्या लगता है कि उसमें भी पेरेंट्स पैसा देने की स्थिति में होगी? जो माली स्थिति दिख रहा हमको तो नहीं लग पा रहा कि वो पैसा दे पाएगा। पेरेंट्स स्थिति में होगा नहीं होगा यह हमारी जवाबदेही नहीं है ना आपकी जवाबदेही है। पेरेंट्स को खुद पूछा गया आप किस आप अपना बताइए कैसे पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि 1.5 साल से पैसा बाकी है। तो पेरेंट्स बोले कि सर 25% करके हर महीना हम दे देंगे। वहीं इस वैश्विक महामारी को लेकर लगातार जिला प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों ने गुरुवार शाम विशेष जांच अभियान चलाया और यातायात नियमों के साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया।
सर अटकिया चेक इन हो रहा है सर। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ चेकिंग है। जिला पुलिस के एक जवान और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवानों के बीच भिड़ंत हो गई। इसमें जिला पुलिस के जवान को चोट भी आई, जिसके बाद मामला सांची थाने पहुंचा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि पुलिस जवान फिलहाल पुलिस लाइन में हैं और विगत लगभग डेढ़ माह से वो मेडिकल लीव पर हैं। गुरुवार को एमजीएम अस्पताल पहुंचा था अपना चेकअप करवाने और वहीं यह घटना हुई। पुलिस जवान के अनुसार होमगार्ड के जवानों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनके मोबाइल के साथ 5,000 रुपये भी छीने गए। वहीं इस मामले में महिला होमगार्ड जवान का कहना था कि उक्त पुलिस जवान के द्वारा अस्पताल में गाली गलौज की जा रही थी और इसकी सूचना उन्हें नर्स के द्वारा दी गई। जब सभी होमगार्ड वहां पहुंचे तो उक्त जवान ने उनके साथ भी बदतमीजी की और वहां हंगामा करने लगे, जिसके बाद उन्हें बाहर लाया गया। वहीं महिला होमगार्ड ने कहा कि उनके साथ मारपीट नहीं हुई थी, बल्कि बाहर लाने के क्रम में वे खुद ही गिर गए थे, जिस कारण उन्हें चोट लगी। ये उन्हें लोग से पूछा जा, मेरा मोबाइल छीन लिया है, 5,000 रुपये पैकेट से निकाल लिया। अच्छा, आप देखा ना, मैं एक सिपाही हूँ पुलिस लाइन में, मैं हूँ और अभी मेडिकल में मैं 1.5 महीना। तो होमगार्ड वाले बदतमीजी किए हैं, वहाँ का प्रभारी जो है मैडम, उनसे पूछा जाए और सीसी कैमरा को निकाला जाए सर कि कौन हाथ चलाया, मैं चलाया हूँ या कोई चलाया, सारा वहाँ का मतलब स्टाफ देख रहा है। डंटा चलाया है उसमें सारा का नाम नहीं जानता, तो पप्पू जो होमगार्ड वाला उसको मैं बुलाऊंगा सामने। कुछ नहीं, हम लोग तुरंत बाहर निकले तो तब तक नर्स सही बुलाने के लिए कि चलिए आप लोग बाहर हैं, वो इतना माँ बहन कर रहा है सबका। हम गए अंदर, उसके बाद में निकाले तो बोलता होमगार्ड है ना, होमगार्ड का ये दिखाते हैं, चलो मेजर साहब के पास में चलो
गेट का बाहर निकला तुमको बताते हैं। तब फिर हम अपने जवान लोग को बुलाए, ये लोग का फोटो खींचने लगा, हम लोग का फोटो खींच रहा था, नहीं मारपीट नहीं की, वो अपने गिर के चोट लगा, जब उसको लेके जाने लगा ना तो गिर के चोट लगा। लॉकडाउन के दौरान जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित होटल अलकोर में गैर कानूनी तरीके से बार और स्पा खुला हुआ था। इतना ही नहीं, होटल अलकोर पर लॉकडाउन की अवधि में जिस्म फरोशी कराए जाने का भी आरोप लगा है। वहीं दूसरी तरफ आज अलकोर होटल के कर्मचारी पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचे। कर्मचारियों ने कानूनी प्रक्रिया से इतर वैश्विक संकट के इस दौर में होटल को प्रभावित नहीं किए जाने की मांग की है। इनका कहना है कि जिस होटल के सैकड़ों कर्मचारियों का रोजगार चलता है, उसे अगर प्रभावित किया जाता है तो वे कहां जाएंगे। वहीं कर्मचारी मालिक पर हुए अन्याय की दास्तान सुनाते सुनाते मीडिया के समक्ष रो पड़ी और कर्मचारियों ने बताया कि होटल सील होने के कारण पिछले 2 महीनों से उन्हें ना तो वेतन मिल रहा है और ना ही होटल के वेंडरों को काम। कुछ वेंडर तो अब हाथ भी खींचने लगे हैं। मालिक के परिवार की ओर से थोड़ी बहुत मदद की जा रही है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। उन्होंने जिले के उपायुक्त से होटल पुनः खोले जाने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। आई हूँ यहाँ पे डीसी सर से मिलने के लिए, और ये हम लोग अलकोर होटल के एम्प्लॉयज है, मैं उनके बिहाफ पे, मैं एचआर हूँ वहाँ पे, मैं उनके बिहाफ पे यहाँ पे आई हूँ डीसी सर को मिलने के लिए और उनको रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस और हमारे प्रमाइज को ओपन किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन अब थोड़ा ईज आउट हो रहा है। सो हम लोग चाहते हैं कि अभी वापस जैसा फंक्शनिंग चल रहा था वैसा चल सके। अलकोर होटल का जो भी इशू, जो भी मामला आया है, हम एज एम्प्लॉयज, हम वहाँ काम करते हैं, हमने आज तक कुछ भी वहाँ पे इनअप्रोप्रिएट होते हुए नहीं देखा। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि जो भी लीगल मैटर्स चल रहे हैं वो अपने चले, लेकिन एटलीस्ट प्रमाइसेस जो एम्प्लॉय करती है कितने सारे लोगों को, उन लोगों की सैलरी, उन लोगों का जो भी रेगुलर इनकम है वो स्टॉप ना करे। इट इज मोर देन 700 एम्प्लॉयज, और उसके अलावा हमारे और भी वहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसर्स है, जैसे RSD फाइनेंस है, उनके लेबर्स का पेमेंट रुका हुआ है, स्टॉप किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है। जमशेदपुर में दैनिक हरी सब्जी विक्रेता संघ के द्वारा इनके दुकानों को वापस पूर्व के स्थान पर बसाए जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी गई। दौरान इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के मद्देनजर हरी सब्जी के विक्रेता अलग अलग स्थानों के पार्किंग स्थान पर जिला प्रशासन के निर्देश के तहत दुकान लगाकर सभी को अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है कि इन स्थानों पर सब्जी को रखने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। साथ ही बरसात के पानी के कारण सब्जियां सड़ रही हैं। अगर इन्हें वापस उनके स्थान पर भेजा जाए तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। इन्होंने कहा कि सब्जियां सड़ने के कारण इनकी आमदनी नहीं हो रही है, साथ ही जानवर भी इनकी सब्जियों को खा रहे हैं, ऐसे में इन्हें नुकसान हो रहा है और अब भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिले के उपायुक्त से इन्होंने मांग की है कि इन्हें इनके स्थान पर पुनः दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। जो साक्षी जो सब्जी मंडी हमारी जो दुकान है, हमें वहाँ से लॉकडाउन के मद्देनजर हमें बसंत सिनेमा के पास जो पार्किंग स्थल है वहाँ पे हमें शिफ्ट किया गया, और अब हम वहाँ पे हमारे 25% से दुकानदार भाई वहाँ पे दुकान लगा पा रहे हैं और बाकी सब अपने घर पे बैठे और मगरी के कगार पे। हमने माननीय उपायुक्त महोदय से कहा कि आज सुबह 8 बजे के बाद इतनी धूप हो जाती है कि ना वहाँ ग्राहक आ पाते हैं, ना हम वहाँ दुकानदारी कर पाते हैं, ना वहाँ कोई व्यवस्था समुचित व्यवस्था है कि हम उस जगह पर बैठ करके दुकान कर सकें, और आने वाला समय भी बरसात का है, कुछ दिनों में बरसात भी आने वाला है। इसलिए हमने उपायुक्त महोदय से मांग की कि हमें हमारे पुनः हमारे अपने जगह पे ही हमें विस्थापित किया जाए और हम वहाँ सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देश का हम सब पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए वहाँ पे अपने दुकानदारी। वहीं जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत सरजमदा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला पंखा साफ करने के दौरान करंट की चपेट में आ गई, जहां घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय महिला सरस्वती साहू गीले कपड़े से पंखे को साफ कर रही थी, तभी अचानक करंट लगने से महिला बुरी तरह से घायल हो गई और घटनास्थल पर ही महिला ने दम तोड़ दिया। इधर इस घटना से पूरे सरजमदा क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहां लोगों ने देर न करते हुए परसुडी पुलिस को इस संबंध में सूचना दी, जहां परसुडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं परसुडी थाने के पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया महिला की मौत करंट लगने से ही हुई है। इन्होंने बताया शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या घटना हुआ थोड़ा बताइए ना सर, इधर कैमरा में देखिए क्या घटना हुआ। एक मिनट, तो यहाँ के घर वाले बता रहे हैं करंट लगा हुआ है पंखा से। क्या देखे आप जो यहाँ पे आए, तो देखे कि चित लेटे हुई थी मृत अवस्था में और पलक जो है बोर्ड से निकला हुआ था।
अथी से पंखा साफ करने के दरमियान मैंने यहाँ लोग बताए अगल बगल पूछताछ से कि मैंने पंखा साफ कर रहे थे उसी में करंट लगा। वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान 100 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। पिछले 12 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा यह पुण्य कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी रक्तदान शिविर लगाया गया। वहीं आयोजनकर्ता के अनुसार वर्तमान समय में इस लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न हुई रक्त की समस्या को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहाँ 100 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको हम लोग 12 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहे हैं। इस बार हम सबों ने योजना बनाई है कि हमारे जो 12 नगर हैं वह सभी प्रत्येक महीना एक एक नगर रक्तदान करेगा, और इस बार गर्मी में रक्त बैंक की तरफ से ऐसा हुआ था कमी हो गई है, इस कारण हम विशेष ड्राइव लिए हैं और आज 100 यूनिट से ज़्यादा हम लोग सब रक्त संग्रह करेंगे। बातें भी हो गई हैं, सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, और आज हम रक्त करेंगे और इसको हर महीने एक नगर जिम्मेवारी में अपने लेकर आज चलाएगा। आज किस नगर की ओर से हो रहा है? आज अपना यह बिष्टुपुर नगर से है, और विशेष इसमें है कि आज शिवाजी का राज्याभिषेक भी है, तो यह उत्सव भी हम सब मना रहे हैं। पूरा नाम क्या होगा? प्रसेनजीत तिवारी। भारतीय संस्कृति कला विकास मंच के द्वारा समाज सेवी व कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र सोनकर को संरक्षक के पद से नवाजा गया, जहां उनके द्वारा इस पद को ग्रहण कर लगातार मंच के लिए अपने दायित्व के निर्वहन की बात कही गई। इस दौरान भारतीय संस्कृति कला विकास मंच के द्वारा उन्हें एक प्रमाण पत्र भी सौंपा गया, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया गया। वहीं इस पद के लिए समाज सेवी व कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र सोनकर ने भारतीय संस्कृति कला विकास मंच के सदस्यों का आभार व्यक्त किया, साथ ही उन्हें विश्वास दिलाया कि मंच के प्रति वे हमेशा तन मन धन से समर्पित रहेंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए भारतीय संस्कृति कला विकास मंच को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले भारतीय संस्कृति कला विकास मंच के सभी साथी कला मंच के साथी को मैं धन्यवाद प्रणाम सलाम, जिन्होंने हमें ये सहयोग समझा कि मुझे अपने कमेटी में शामिल होने का मौका दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा, जिस चीज से हम लोग हमेशा चाहते हैं कि संगीत भजन के बीच जीवन सादगी से गुजरे, उस टीम में मुझे शामिल होने का मौका मिला, तो मैं भारतीय संस्कृति कला विकास मंच का धन्यवाद देता हूँ, खास करके परवाना जी और उनके टीम का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे संरक्षक के तौर पे अपने टीम में शामिल होने का मौका मिला। और मैं एक प्रयास हमेशा करूँगा, मैं स्वभाव से भी ऐसा हूँ, मैं एक प्रयास करूँगा कि ये हमारा संस्था को मैं एक एक मेंबर को उनके ज़रूरत के अनुसार से उनकी ज़रूरत को पूरा करने का मैं कोशिश करूँगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं सिर्फ अपने साथी दोस्तों से ये अपील करता हूँ कि आप भरोसा रखें, हम लोग बहुत जल्द निर्णय लेकर अपने साथी को उनके ज़रूरत के अनुसार से सेवा प्रदान करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री से, हमारे प्रदेश के मंत्री से हम मिलेंगे, हमारी समस्या को रखेंगे, हम अपने ज़रूरत से उनको अवगत कराएंगे। और ऐसे बहुत समाज सेवी भी हैं जो ऐसा नहीं है कि कलाकारों को इग्नोर करेंगे, उन्हें नज़रअंदाज करेंगे, वो भी हमारे साथ रहेंगे। उनसे भी हम विनती करेंगे कि आज के घड़ी पे जो लोग भजन सुनाकर भगवान की लगन में लीन होने के लिए जो हमें रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, आज वो लोग भूखा सो जाएं और हम घर पे शांति से सो के, तो हमें ये गवारा नहीं। मैं प्रयास करूँगा, पुनः मैं एक बार भारतीय संस्कृति कला विकास मंच के सभी मेंबर को धन्यवाद देता हूँ, और मैं प्रयास करूँगा कि जितनी भी ज़रूरत हमारी टीम को है, जिनसे भी मुलाकात करने का मौका मिले हम करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और सबकी जरूरत को पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर।
दहशत में काम कर रही MGM अस्पताल की नर्सों ने ड्यूटी करने से किया इनकार, छुट्टी नहीं देने का लगाया आरोप। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने जमकर काटा बवाल, समुचित जगह की व्यवस्था नहीं होने से दिखे नाराज और बकाये फीस को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न। JH तारापुर स्कूल का है मामला, DSE के निर्देश पर अभिभावकों को मिली मोहलत। तक के लिए बस इतना ही, बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।